जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। मैं श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। कभी कोई प्रश्न आ जाते हैं तो उनको भी अपन देखने का प्रयास करते हैं। अभी किसी की जिज्ञासा है कि ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, शायद उसी को गॉड रियलाइजेशन ऐसा कुछ भी शब्द हो सकता है वो कहते हैं। तो उसमें सामान्य रूप से हमारा ये कहना रहता है कि देखो ये जो है, अब एकदम से ये कह दें कि ये तो बहुत सरल है तो अटपटा लग सकता है कि एक ऐसा कार्य जिसको प्राप्त करने में पूरा जीवन लग जाए और फिर भी ये पता ना चले कि भाई वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ या होगा या नहीं होगा, और उसको आप कह रहे हो कि ये तो एकदम सरल है। सरल इसलिए कहा कि जैसे अग्नि से कोई पूछे कि दाही का शक्ति बताओ तो वो तो अग्नि में है ही, उसका गुण ही है, उसका स्वभाव है। या जल से कोई कहे कि भाई, जल किसी को कहे कि हमको बहना बताओ, बहना क्या होता है, तो वो तो जल का स्वाभाविक गुण है, बस परिचित नहीं है, ज्ञान नहीं है। ऐसे ही बहुत पहले एक मूवी आई थी, पिक्चर आई थी, उसका नाम था काजल, काजल पिक्चर थी, और उसमें संभवतः आशा भोसले जी ने गीत गाया है वो तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो उसकी शुरुआत होती है कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विध पाऊं, तो प्रभु बोले तू मन को पाले पा जाएगा मोह। यानी जो शुरुआत होगी वो अपने मन से होगी। ये जो पूरी यात्रा है ये आंतरिक यात्रा है, अंदर की यात्रा है। तो ईश्वर को प्राप्ति से पहले, जैसे यहाँ से मान लो हम इंदौर में रहते हैं और यहाँ से दिल्ली जाना है और बाय ट्रेन या बाय रोड जाना है, तो अलग अलग स्टेशंस आते हैं, बीच में शहर आते हैं, सिटीज आती हैं, चाहे वो रतलाम होकर जाएं या भोपाल होकर जाएं, चाहे वो बीच में ग्वालियर आए या आगरा आए, मथुरा आए और फिर दिल्ली आता है। ठीक इसी प्रकार ये जो यात्रा है ईश्वर प्राप्ति की, इसकी शुरुआत होगी, आरंभ होगा मन को जानने से कि मन क्या है और मन में उठने वाले विचार क्या हैं। दिक्कत क्या है इस समय कि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, उससे अपना ज़्यादा संबंध नहीं रहता है, तो इसलिए न्यूट्रल होकर सुनेंगे। एक होता है सुनना, फिर यदि आपकी श्रद्धा है तो मानना, और फिर उसको अनुभव में बिठाना, जानना। तो वो जान लेंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो अभी तो बहुत सार संक्षेप में चलने वाले हैं। तो अभ्यास क्या करना है कि मन अलग है और विचार अलग है। विचार मन में ही उठते हैं, विचार जो है वो मन में उठते हैं, पर विचार को अपन जानते हैं। तो अभ्यास ये करना है कि जो भी विचार है वो मैं हूँ क्या, या विचार कैसे अलग है, विचार को देखना। विचार के बाद जब हम देखने वाले हो जाते हैं, धीरे धीरे अलग अलग लेक्चर्स में एक एक एग्जांपल से समझेंगे, तो विचार हो गया दृश्य और हम हो गए दृष्टा, विचार हो गया नॉन, हम हो गए नोअर। तो अभी सबसे पहला जो अभ्यास करना है वो ये अभ्यास करना है कि जो भी विचार है, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, भावना है, उसको देखना। तो क्या होगा उससे, उससे अपन बन जाएंगे दृष्टा और बाकी सब कुछ बन जाएगा दृश्य, अपन बन जाएंगे सीयर और बाकी सब हो जाएगा सीन। अब देखो किसी समय अपन अहम पे भी विचार करेंगे, तो अहम को अभी थोड़ा सा समझ के रख लो ताकि धीरे धीरे विषय क्लियर हो जाए। जैसे क्या है, मान लो सब तरफ
आकाश है, स्पेस स्पेस स्पेस, और एक शेप है, चाहे वो घड़े का है, चाहे वो गिलास का है, चाहे वो कोई भी पात्र है, बर्तन है। तो एक शब्द होता है स्पेस को कहते हैं आकाश, आकाश। और ये जो पात्र है, कंटेनर है, मान लो ये घट है, घट, तो इसके अंदर जो स्पेस है, आकाश है, उसको बोलते हैं घटाकाश, घटाकाश। तो स्पेस तो क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, अनंत है, बहुत व्यापक है। लेकिन ये जो घट का शेप है, कंटेनर का जो शेप है, आकार है, उसके कारण स्पेस क्या हो गई, कन्फाइन हो गई, सीमित हो गई। तो ये जो स्पेस कन्फाइन हुई वो शेप के कारण हुई, शेप के कारण हुई, घटाकाश कहा उसको, घट में जो आकाश है उसको घटाकाश कहा। तो क्या हो गया, वो कन्फाइन हो गया। अब कोई घट की कैपेसिटी 1 लीटर है तो घटाकाश 1 लीटर हो गया, किसी घट की कैपेसिटी 10 लीटर है तो घटाकाश 10 लीटर हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस शेप साइज ऑफ द कंटेनर, वो आकाश जो है वो कन्फाइन हो गया। सिमिलरली जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी व्यापक है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो सब जगह। अपन ने क्या किया, अपन ने थ्रू ईगो या अहम, उसको डिफाइन करेंगे और ज़्यादा, अभी थोड़ा सा प्रारंभिक डेफिनेशन समझ लें, कि जब अपन ने मैं कहा तो अपन ने उस मैं को, आई को कन्फाइन कर लिया इस बॉडी में, कि मैं मतलब इतना ही बड़ा, कितना, ये 5 फिट का, 6 फिट का, 5.5 फिट का, 5.25 फिट का, ये जो मैंने आकार घेर रखा है, स्पेस को कन्फाइन कर रखा है, वो मैं हूँ। ये जो मैं को हमने सीमित कर दिया, यही अहम है। ये जो स्पेस को, कॉन्शियसनेस को अपन ने जो कन्फाइन कर लिया, छोटा कर लिया, बांध लिया, स्पेस तो अनंत है, कॉन्शियसनेस अनंत है, लेकिन जब अपन ने थ्रू ईगो, अहम के कारण, अपन ने ये समझा कि मैं इतना सा ही हूँ, तो क्या हो गया, वो कन्फाइन हो गई, वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो जो पूर्ण अहमता है, वो सीमित हो गई। तो सबसे पहले अपने को इस अहम को जानना है, आई को जानना है, मैं को जानना है। तो यात्रा तो थोड़ी सी लंबी रहेगी, धीरे धीरे देखते रहेंगे बीच बीच में, तो अभी तो केवल विचार को देखो, फीलिंग्स को देखो, और ये देखो कि ये विचार है और विचार मैं नहीं हूँ। इसी को अभी कंटिन्यू अपन और अगले लेक्चर में करने वाले हैं। जय गुरुदेव।